अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एवरीडे फूड विद आयशा। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस और हेल्दी ब्रेकफास्ट, जो कि है रवा उपमा और उसके साथ सर्व करने के लिए जिंजर चटनी। पहले हम बना लेंगे अदरक की चटनी, जिसके लिए मैंने एक पैन में डाला 2 टीस्पून ऑयल। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून चना दाल और 2 टेबलस्पून माश की दाल। दालों को हम 5 से 6 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज की प्याज रफली चॉप्ड। दो लहसुन की कली और 4 से 5 इंच का अदरक रफली चॉप्ड। एक टमाटर रफली चॉप्ड मिला लें अच्छे से। फ्लेम को मैंने मीडियम पर रख लिया है, कोई भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 6 से 7 सूखी हुई लाल मिर्च। ये देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई कर लिया। अब इन सारे चीज़ों को मैं एक ब्लेंडर में डाल रही हूँ। अब इसमें जाएगा नमक हसबे जायका या फिर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। ये है थोड़ी सी इमली, इसको मैंने पानी में भिगा के रख लिया था, ये भी मैंने डाला ब्लेंडर में। हल्का सा पानी डालते हुए हमें ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए, चटनी हमारी अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे तड़का। इसके लिए मैंने एक तड़के के पैन में डाला 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून राई, 7 से 8 करी लीव्स। ये तड़का अब जाएगा सीधा चटनी के बाउल में और हमारी जिंजर चटनी तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। आप इसे उपमा के साथ, डोसा या फिर इडली के साथ सर्व कर सकते हैं। चटनी हमारी तैयार है, अब बढ़ते हैं उपमा बनाने की तरफ, जिसके लिए मैंने एक डीप पैन ले लिया है। इसमें मैंने डाला 3 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून माश की दाल, 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून राई, 4 से 5 करी लीव्स और 1 इंच का अदरक बारीक कटा हुआ। फ्लेम को मैंने मीडियम पर रख लिया है। 5 से 6 सेकंड के लिए इसे हल्का सा क्रैकल होने देते हैं, ये बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याज बारीक कटी हुई। प्याज को हमें 1 से 2 मिनट तक सॉटे कर लेना है। चमचे को हमें चलाते रहना है, प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक हसबे जायका या फिर 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। मिला लें अच्छे से जब तक के अदरक लहसुन का कच्चापन चले जाए। आप देख सकते हैं प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। अगर प्याज काली हो जाएगी तो उपमा का कलर भी बिल्कुल ब्राउन सा होगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 ग्लास पानी। मिला लें अच्छे से। अब हमें पानी में उबाल आने देना है। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें मैंने डाला 1 टीस्पून असली घी। असली घी डालने से उपमा में एक अच्छा सा अरोमा आ जाता है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ रवा। 1 कप रोस्टेड रवा मैंने लिया है। अगर आपके पास रोस्टेड रवा नहीं है तो आप 1 मिनट के लिए इसे तवे पर रोस्ट कर लीजिए, इससे उपमा का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। जैसा कि आपने देखा, रवा डालते वक्त मैं चमचे को हिलाते रही हूँ, वरना रवे के लम्प्स बन जाते हैं। ये देखिए, पानी पूरा अब्सॉर्ब हो चुका है और रवा भी अच्छे से पक चुका है और पैन के साइड्स को छोड़ने लगा है। ये देखिए, रवा एकदम करीब हो गया है और अच्छे से पक चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से हरा धनिया के पत्ते और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो इसे अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिए।
और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ ये जो बेल आइकन नज़र आ रहा है उसे भी टच करिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो ये सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।